चलो ठीक है, तो जस्ट एक बार देख लो कल का क्विक समरी। वैसे तो कुछ कल किए नहीं थे हम लोग, ये अपना ब्रॉडली 10 सेक्शन है जिसको हम लोग पावर एनर्जी चैप्टर को डिवाइड कर दिए हुए हैं। म्यूट कर लो फिर बोलना तो उस टाइम करना, ठीक है। चलो तो हम लोग जस्ट पहला सेक्शन स्टार्ट किए थे डेफिनेशन ऑफ वर्क, ठीक है, और इसमें ये भी था एंड इट्स इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल जो कि अपना ये वर्क का डेफिनेशन था। कल अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किए हुए थे हम, इसका डायग्राम बना के भी किए हुए थे, इसमें डायग्राम अभी नहीं है। इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, एफ का मतलब बताए हुए थे जिस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क निकालना है वो फोर्स, और डी आर मतलब इनफिनिटेसिमल जो वर्ड यूज करते हैं, मतलब इसका होता है वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डी एक्स मतलब एक्स में बहुत बहुत छोटा चेंज, ठीक है, और डब्ल्यू वर्क डन हो गया। तो ये अपना डेफिनेशन हो गया था, हम लोग कल डिस्कस कर लेते थे, ये जनरल डेफिनेशन था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके इसके इजियर वर्जन पे आज जाने वाले हम लोग, जो तुम्हारा सेक्शन टू था और जो तुम लोग थोड़ा बहुत नाइन्थ क्लास में पढ़े हुए सेकंड वाला, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, इसी का इजियर वर्जन। इसलिए बोलते कल जो लोग पढ़े थे वो पूरा जनरल एनालिसिस हम लोग किए थे वर्क डन का, जनरल हम लोग डिस्क्रिप्शन कल किए थे वर्क डन का, आज हम लोग उसी को सिंप्लीफाई करके इजियर वर्जन पे जाने वाले। तो कल से आसान होने वाला आज के लेक्चर पहले ही बोल देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना क्या था वो देखो गौर से, ये वाला ध्यान देना, यहाँ पे ये लैंग्वेज में ध्यान देना। वर्क डन पहले कल बोले थे कि वर्क डन बाय सम फोर्स होता है, किसी फोर्स के द्वारा वर्क किया जाता है, सिंपल वर्क डन नहीं बोला जाता, वर्क डन बाय फोर्स, कोई फोर्स, और किस पे किया वो अभी तुम्हें बोलना चाहिए। अगर पूरा सेंटेंस को कंप्लीट करना तो बोलना पड़ेगा वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास m, इतना बोलोगे तब जाकर पूरा सेंटेंस तुम्हारा कंप्लीट होता है वर्क डन का। वर्क कौन सा फोर्स किया और किस पे किया, ऑन समथिंग। हम अगर एफ फोर्स तुम पे लगा रहे हैं तो हम बोलेंगे यह फोर्स कितना वर्क तुम पे किया, ऑन यू, ठीक है। तो ऐसे बोला जाए पूरा कंप्लीट सेंटेंस, ये जहां लिखा हुआ है वर्क डन बाय द फोर्स एफ ऑन द ऑब्जेक्ट, जिस पे वो लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, किस पे हो रहा और किसके द्वारा हो रहा, तो फोर्स के द्वारा, और किस पे हो रहा है जिस पे लगाया जा रहा है फोर्स। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो हम लोग आज आने वाले हैं सेकंड सेक्शन पे, जल्दी नहीं सेकंड सेक्शन पे आने से पहले कुछ देखो, कुछ कंक्लूजन है, ठीक है। जो तुम बुक्स वगैरह में देखोगे तो अलग अलग पैराग्राफ में कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, उस सारे को हम कंपैक्ट करके एक जगह लिखवाने वाले हैं। जो सारा का सारा कंक्लूजन अगेन बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मैथमेटिकल इक्वेशन से तुम निकाल सकते हो। अगर तुम्हें वो नहीं भी बताते हैं और कोई तुम्हें सामने वो पॉइंट बोलता है, अगर तुम इस इक्वेशन का एनालिसिस सही से कर पा रहे हो तो तुम उसका आंसर दे सकते हो, बट जस्ट बताने के लिए हम एक जगह लिखवा रहे हैं। सारा कंक्लूजन इस इक्वेशन से निकलने वाला है, सारा कंक्लूजन फरी बोलते हैं, चार पांच पॉइंट लिखवाने वाले हैं, ठीक है। तो अगले पेज में ही है कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम लोग डेफिनेशन ऑफ फोर्स से निकाल सकते हैं, सिर्फ डेफिनेशन ऑफ फोर्स से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सबसे पहला हम पूछेंगे, तुम लोगों को आंसर देना है सोच करके उस इक्वेशन से, और फिर हम उसको अगर गलत होगा तो करेक्ट करेंगे और फिर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, या सिंपली फ्रेम ही बोलेंगे, उतना लंबा नहीं बोला जाता, सिंपली फ्रेम बोला जाता है, फ्रेम पे डिपेंड करेगा या नहीं। वर्क डन बाय ए फोर्स इज फ्रेम डिपेंडेंट और नॉट, ये ट्रू है या फॉल्स, फ्रेम पे डिपेंड करेगा या नहीं। सोचो उस इक्वेशन से सोचो, उसमें देखो क्या क्या टर्म्स है, वो टर्म्स देखो फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। पहले मेरा क्वेश्चन समझ में आया, वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है या नहीं, सोचो और बोलो, कोई भी बोलो, गेस करो, गेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेयर डिपेंड करेगा, क्यों रीजन, या फोर्स है, फोर्स मतलब अलग आ सकता है, क्यों फोर्स अलग क्यों आएगा भाई, नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो ऊपर ही रहेगा, तुम किसी फ्रेम से सॉल्व करो, तुम शायद सूडो फोर्स से कंफ्यूज हो रहे हो। जो फोर्स सच में है वो सच में, हम बोले थे तुम लोगों को, बार बार ही बोलते थे रियल फोर्स होता है, वो किसी फ्रेम से डिपेंड नहीं करता। इसका आंसर तुम सही बोले, बट रीजन तुम्हारा सही नहीं था। वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है इसलिए, चूंकि डी आर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी है, किस फ्रेम से देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। वर्क डन इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, रीजन होगा क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ रहा, कंपोनेंट आ रहा, और वह डिस्प्लेसमेंट जो वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। तुम रुके हुए हो जमीन पे, तुम बोलोगे भैया मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, हम किसी आदमी को दौड़ा देंगे उसके रिस्पेक्ट में, तुम रुके हुए हो फिर भी तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव मोशन,
तो डिस्प्लेसमेंट जो डी आर तुम इसमें लिखे हो, चूंकि ये फ्रेम डिपेंडेंट है इसलिए वर्क फ्रेम डिपेंडेंट होता है, फ्रेम पे डिपेंड करेगा वर्क। ग्राउंड से वर्क निकाल रहे हो कि किसी इनर्शियल फ्रेम से निकाल रहे हो, अलग अलग फ्रेम से वर्क डिफरेंट आ सकता है। रीजन क्योंकि डी आर डिस्प्ले फोर्स याद रखना, फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता, कि दिमाग से हटा लो, फोर्स फोर्स है भाई, वो जाए एमजी नीचे लग रहा है तो लग रहा है, तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो, इनर्शियल से करो, किसी फ्रेम से करो, वो एमजी नीचे ही रहेगा और वैल्यू भी उसका उतना ही रहेगा, डायरेक्शन उतना रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो नीचे इस पॉइंट को लिखो, पहला पॉइंट वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जस्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने हम लिख रहे हैं, is a frame dependent quantity, is या simply हम frame dependent लिख सकते हैं, frame dependent, frame dependent, reason क्यों क्या होगा? Because displacement. हाँ, because displacement is frame dependent. Displacement is a frame dependent physical quantity, या is frame dependent direct हम लिख रहे हैं. Frame dependent. Displacement, velocity, ये सारा का सारा चीज frame पे depend करता है, momentum भी frame पे depend करेगा, क्योंकि mass into velocity और velocity relative होता है, displacement भी relative होता है, ये ध्यान रखना। Event distance भी, ये भी बता दे, event distance भी frame पे depend करेगा, ध्यान रखना, भले scalar quantity है but frame पे depend करेगा। ये समझ पा रहे हो? पता होना चाहिए, हमें जरूरत नहीं पर जस्ट बता रहे हैं। डिस्टेंस भी फ्रेम डिपेंडेंट होगा, क्योंकि अलग अलग फ्रेम से तुम्हारा ट्रैजेक्टरी चेंज हो जाएगा, कभी तुम स्ट्रेट लाइन में चलोगे, कभी पाराबोला में चलोगे, दिखाए थे याद है कोलिजन वाला, वो चल रहा था ऐसा फ्रेम अलग था तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, तो भाई स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस अलग आएगा, कर्व में निकालोगे डिस्टेंस अलग आएगा, डिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, ध्यान जस्ट जानकारी के लिए बता दिए। चलो ये हो गया, बट इसमें लिख लो नोट करके कंफ्यूजन दूर करने के लिए, फोर्स जो है फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है, लिख लो यहाँ पे जस्ट नोट करने, जैसे तुम्हें भी कंफ्यूज हो गया ये बता होना चाहिए, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करने वाला, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो वही से निकलने वाला सारा का सारा पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर हम ये बोले पॉइंट, जैसे मान लो और हम बोले कि अगर हम बोले कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा, ठीक है, कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, बट एट एवरी इंस्टेंट हर टाइम पे फोर्स का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, फोर्स का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एट एवरी इंस्टेंट हर मोमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री है हर मोमेंट पे, उस केस में वर्क डन जीरो होगा, हम ऐसा बोल रहे, जस्टिफाई करो या सेंटेंस से जस्टिफाई करना, इफ इफ भैया होगा होगा जस्टिफाई करो, होगा बिल्कुल सही है, बट जस्टिफाई जस्टिफिकेशन चाहिए तुम लोगों से, ये तो हो गया, लिखने वाले है भाई, इफ बट थोड़ा इसको हम और करेक्ट करेंगे, बट सही है, परपेंडिकुलर टू टू वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स, पूरा सेंटेंस बोले तो वर्क डन, आप हम लिखेंगे नहीं बट तुमको पता होना चाहिए, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फोर्स के द्वारा किया गया और किस ऑब्जेक्ट पे किया गया, जिस ऑब्जेक्ट पे वो लग रहा था, तो पूरा सेंटेंस ऐसे लिख के आता है, ज्ञान वगैरह में ध्यान रखना, देन वर्क डन बाय द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट इज जीरो, बट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, हमको इसका जस्टिफिकेशन चाहिए। अगेन आंसर क्या है, वो इंटीग्रल फॉर्मूला इक्वेशन, पहले ही बोल दिए थे पूरा चैप्टर, उसे इंटीग्रल फॉर्मूला इक्वेशन चाहिए, इंटीग्रल एफ डॉट डीआर। अब चलो ये लिख लिए क्या, ऊपर जाने वाला मुझे, चलो बाकी लोग
चलो ठीक है, क्या ध्यान दो, क्या ध्यान दो, हमें गिवन क्या है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, बट इस वर्क में देखे तो वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो फिर तुम कैसे बोलो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, और ये करना चाहे तो हम ये बोलेंगे, हम ये बोलेंगे देखना कौन से, हम बोलेंगे भाई ये इंटीग्रल एफ डॉट डी आर है, तुम्हें देने वाले ने क्या दिया है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तुम इसमें दिमाग लगाओ, ऐसे कर दो बाय डी टी इंटू डी टी, और ये डी आर बाय डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, एफ डॉट वेलोसिटी, तो कभी कभी वर्क डन का एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम वगैरह में डालना चाहते, एफ डॉट बी डी टी वही चीज को लिख देगा, एफ डॉट डी आर को ही, डी टी से डिवाइड भी कर दिया, डी टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डी आर बाय डी टी क्या वेलोसिटी, एफ डॉट बी, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी हर मोमेंट पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर एफ डॉट बी जीरो होगा, एफ डॉट बी जीरो होगा तो इंटीग्रल जीरो आने वाला है, समझ में आ गया होपफुली, ठीक है, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में वहां पे ये एक्सप्रेशन को ऐसे चेंज करके लिख सकते हो, जस्ट हटा रहे इसको हम, अपना एक्सप्रेशन वही रहेगा एफ डॉट डी आर ही, ठीक है, तो वो भी है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, रीजन ऊपर हम लोग लिख दिए, ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा ये बोलो, थर्ड पॉइंट में हम क्या कराए हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोलना चाहें, ऐसे मान लो अगर हम ऐसा बोलना चाहें, ड्राइंग करेंगे फिर पूछेंगे तुम लोगों से, हालांकि सिंपल पॉइंट है फुली समझ में आ जाएगा, बस तुम लोग का ध्यान उधर चला जाए इसमें, मान लो तुम्हारे पास कोई रास्ता ऐसा कुछ है सिंपल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट हम ले रहे हैं जनरल, इसलिए कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे मान लो वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वर्टिकल या अपवर्ड कोई फोर्स एफ लग रहा है, हर पॉइंट पे वर्टिकल या अपवर्ड फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नीट्यूड एफ है, ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया, होते 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 फाइनली फाइनली यहाँ पहुंच गया, बोला गया यहां से यहां तक में इस ब्लॉक पे इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया, ठीक है, कितना वर्क किया गया, किस फ्रेम से, फ्रेम नहीं बोले तो क्या मान के चलोगे, ग्राउंड फ्रेम, सिंपल जब हम बोलते वर्क डन जो तुम निकालते हो नाइन्थ वगैरह में, तो सारा वर्क डन तुम ग्राउंड फ्रेम से ही निकालते थे, तो फ्रेम नहीं बोल रहे वर्क डन का तो ग्राउंड ही लेके चलना, मोस्टली हम लोग ग्राउंड से ही करते हैं, क्वेश्चन वगैरह में भी मोस्टली वर्क डन बोलेगा सिंपल निकालने को, समझ जाना ग्राउंड से ही बोल रहा है, अगर उसको दूसरे फ्रेम से निकलवाना होगा तो वो बोलेगा वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग डिस्क, विद रिस्पेक्ट टू ये ऐसा कुछ बोलेगा वो, अगर दूसरा फ्रेम बोलना होगा, फ्रेम नहीं बोला है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मान के चलोगे, तो हम यहाँ वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, इस पे कितना वर्क या फोर्स किया, ठीक है, तो हम ये ऐड कर देंगे भैया, बिल्कुल सही, हम ये बोलना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, हम ये बोलना चाह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट बीच में कैसा मोशन किया, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड था, या कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन था, कैसा मोशन था, क्या उस पे डिपेंड करेगा वर्क डन, टाइप ऑफ मोशन पे नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, उस जर्नी में तुम कैसे गए हो, सोते हुए गए हो, रुकते हुए गए हो, खाते पीते गए हो, कैसे गए हो, वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करने वाला वर्क डन में, उसे तो मतलब है डीआर से भाई, तुम्हारा रास्ता का जो वो डीआर है वो तो सेम ही है ना, तुम बीच में कैसे भी गए, रोड तो वही है ना यार, समझो पर तुम कैसे भी जाओ, इसी रास्ते से अगर जा रहे हो, रास्ता अगर सेम है, ट्रैजेक्ट्री अगर सेम, आगे ये पॉइंट बोल रहे हैं, ट्रैजेक्ट्री फॉर ए गिवन ट्रैजेक्ट्री, वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होगा टाइप ऑफ मोशन का, मोशन कैसा किया वो कोई फर्क नहीं डालेगा, पहले समझो, काउंटर क्वेश्चन भी करना है तो कर सकते हो भैया, हमको लग रहा है कि करना चाहिए, बोल सकते हो अपना भी ओपिनियन इसमें रख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए और मान लिए, तुमको अंदर से भी ये फील आना चाहिए कि हाँ बात सही बोला जा रहा है, रीजन के साथ, मतलब क्या ये डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वो बीच में जो चला उसका डिपेंड करेगा, नहीं तुम इसको गलत समझ लिए, हालांकि कांस्टेंट फोर्स वाला तुम पॉइंट बोल रहे हो, अभी हम कांस्टेंट फोर्स पे गए नहीं है, हम ये बोल रहे हैं इनिशियल फाइनल पे क्या, ये तो नहीं बोल सिर्फ इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करे, ये नहीं हम बोले, अगर हम बोले भाई ये समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर मान लो यहाँ से हालांकि धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लियर होगा, जब तुम्हारे से क्वेश्चन वगैरह करोगे तो, अभी जस्ट इन दोनों रास्ते का इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है क्या, दोनों का वर्क डन सेम होगा, नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है, नहीं
तो हम बोले वही तुम बोले उसे तुम गलत समझ लिए, क्योंकि डीआर चेंज हो गया दोनों के, दोनों का देखो ट्रैजेक्टरी का। हम बोले थे किसी एक रास्ते के लिए, रास्ता एक ही रखे हम, किसी एक गिवन रास्ते के लिए ट्रैजेक्टरी के लिए, उस ट्रैजेक्टरी पे तुम किस तरह का मोशन किए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या कांस्टेंट वेलोसिटी या कुछ भी, उस टाइप ऑफ मोशन पे अगेन बीच में तुम किस तरह का मोशन किए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है वर्क डन निकालते वक्त। समझ गए पल, क्लियर हुआ ये? बोलो पहले जी भैया। चलो तो लिख लो जरा पॉइंट को, लिखो फॉर ए गिवन ट्रैजेक्टरी लिखो फॉर ए गिवन ट्रैजेक्टरी वर्क डन इज वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन। Work done by a force is independent of type of motion. जो मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म था या कॉन्स्टेंट, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। हमको बस रास्ता पता होना चाहिए, किस किस रास्ते से गया, यानी डीआर पता होना चाहिए। अब उस डीआर के अलावा तुम रुक के गए, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट था क्या था, वो फर्क नहीं पड़ेगा। डब्ल्यू तो डब्ल्यू का एक्सप्रेशन देखो, सीधा बात हम तो बोले ही है, कुछ भी बोला इस तरह का पॉइंट, तुम एक्सप्रेशन पे जाओ, वहां से सोचो, खत्म। सही से सोचोगे आंसर सही आएगा। चलो ये थर्ड पॉइंट हो गया, और फोर्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं, फोर्थ पॉइंट अगर बोलना चाहें, चलो तब तक तीन पॉइंट ही रहने दो, आगे मूव ऑन होते हैं। कोई पॉइंट वैसा आएगा दिमाग में तो कभी पूछ लेंगे तुम लोग से, या ग्रुप में ही शेयर कर देंगे। बस सोचने पे डिपेंड करता है, ऐसे ही होता है ना, मतलब वही फॉर्म वही एक्सप्रेशन है, तुम भी पढ़ो यही पढ़ो, क्वेश्चन सेटर सब यही करता है वो लोग, उसी में कुछ सोचा पॉइंट इस तरह कुछ और डाल दिया ऑप्शन वगैरह में, और बच्चे को पता है फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज हो रहा है क्या ये सही है गलत है, तो ऐसे ही पॉइंट्स बनाया था, तुमको आदत डालना होगा इस चीज का पहले से, ताकि नया पॉइंट ऑन द स्पॉट आता भी एग्जाम में तो तुम वहां पे उसको कनेक्ट कर पाओ, खुद से ये कर पाओ क्या सही है गलत, तो आदत में रहोगे तभी वहां पे कर पाओ। चलो ठीक है, तो ये हो गया, अब आ जाओ दूसरे सेक्शन पे, ठीक है, जो अपना है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सिंपलीफाइड वर्जन है, इजी है रिलेटिवली। सेक्शन टू अगले पेज में करेंगे हम, हेडिंग डाल दो बाय कॉन्स्टेंट फोर्स, यानी हम लोग जूम करके चल रहे हैं कि कॉन्स्टेंट फोर्स का वर्डन निकाल रहे हैं। और जब कांस्टेंट फोर्स हम बोल रहे हैं तो मेरा बोलने का मतलब ऐसा फोर्स उस ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। एक एग्जांपल तुम लोग खुद ही देखो, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है। इसका हमें वर्क निकालना, तो कल ही बोले थे कुछ भी अब आने वाला, हमें स्टार्ट वहीं से करने वाले, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डॉट डीआर, और वहीं से सारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वहां से, इसको उठाते हैं और वहां पे पेस्ट कर देते हैं। यही तुम्हारा वर्क एनालिसिस नाइन्थ वाला है, जो सेकंड सेक्शन है, इसको समझो, इस इंटीग्रेशन को सिंपलीफाई करके नाइन्थ क्लास में डाला गया डायरेक्ट। चलो देखो क्या अज्यूम किए हम, फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं खींच सकते हैं क्या, एफ को बाहर खींच लो, तुम लोग जानते हो यार 2, 3, 4 इंटीग्रेशन के अंदर तो कांस्टेंट को बाहर खींच सकते हैं, बट अगर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होता तो फिर बाहर नहीं निकाल सकते, तो कांस्टेंट मानते हुए बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान रख रहा है, ये जनरल नहीं हुआ, तुम्हें के स्पेशल केस में जा रहे हो उस वर्क डन के, या अज्यूम करते हुए कि फोर्स वेरी नहीं कर रहा, तो एफ डॉट अंदर में तुम्हारा क्या बचा, इंटीग्रल डी आर, इंटीग्रेशन लिया ना, फोर्स डॉट इंटीग्रल डी आर।
एक और पॉइंट यहाँ ध्यान आ गया, डिस्कस कर ही देते हैं। अच्छा चलो अब यहाँ आ गया तो छोड़ो बाद में उसको करेंगे डिस्कस। चलो यहाँ इंटीग्रेशन डालो, इंटीग्रेशन वाला सिंबल और ये डी आर वेक्टर। यहां तक समझ में आया? ब्रैकेट में लिखे तो यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो अज्यूमिंग फोर्स टू बी कांस्टेंट। फोर्स को कांस्टेंट मानते हुए हम एफ को बाहर निकाल लिए इंटीग्रेशन से। यहां तक हम लोग कर दिए। अब चलो यहां जाओ वापस, यहां एक पॉइंट हम ऐड करने वाले हैं यहां पे वर्क डन वाले में। ध्यान आ गया अचानक, वर्क डन ध्यान देना, वर्क डन इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं हम लोग कभी निकाल पाते हैं। इंस्टेंटेनियस वर्क नाम का चीज फिजिक्स में होता ही नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर है हो तुम लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड पर है हो, बट इंस्टेंटेनियस वर्क का कोई मतलब नहीं होता। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या हुआ, किसी एक गिवन इंस्टेंट। कभी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा एग्जाम में कि फाइंड द वर्क डन एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। किसी एक गिवन टाइम पे इंस्टेंटेनियस वर्क निकालने को नहीं बोला जाता। क्यों क्यों रीजन बोलो क्यों? क्योंकि जो डीआर डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल किया होगा किसी एक इंटरवल में किया होगा, एक मोमेंट पे ही नहीं कर लिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट कवर। इसीलिए एक इंस्टेंट पे वर्क हम लोग कभी निकालते हैं, एक इंटरवल के यहाँ पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो कितना वर्क हुआ, ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हमको एग्जैक्टली 2 सेकंड में बताओ कितना वर्क आ रहा। तो यहाँ लिख लो ऐसा कुछ, डोंट डिफाइन इंस्टेंटेनियस वर्क, या ऐसा मत लिखो वर्क डन इज ऑलवेज कैलक्यूलेटेड फॉर एन इंटरवल। इंटरवल इसी इंटरवल के लिए हम लोग वर्क निकालते हैं। सो डोंट डिफाइन इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कुछ हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, अनलाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे रिलेशन जो तुम पहले पढ़े हो वैसा कुछ हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाते। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफाइन किए हुए, ऐसे रिलेशन भी डिफाइन किए हुए, इस मोमेंट पे रिलेशन कितना था, इस मोमेंट पे वेलोसिटी कितना था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना। तुमसे बोलेंगे कि हमें 2 सेकंड पे बताओ टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वर्क डन कितना था, ऐसा क्वेश्चन सही नहीं है पूछना। क्योंकि कभी भी एक गिवन इंटरवल के, भले वो इंटरवल छोटा हो 0.2 सेकंड का हो, बट हम उस इंटरवल के लिए निकालेंगे एग्जैक्टली एट 0.1 सेकंड नहीं बता पाएंगे वर्क डन। तो अभी यहां पे आने वाले हैं, इस पे लिख लो क्विकली उस पॉइंट को, फोर्थ पॉइंट को, वर्क डन से रिलेटेड पॉइंट था, ठीक है। अब यहां ध्यान दो क्या होने वाला है, एफ डॉट डी आर इंटीग्रल डी आर, मतलब तुम क्या कर रहे हो, फोर्स तो तुम्हारा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, छोटे 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 डी आर को ऐड कर रहे हो। तो किसी भी ट्रेजेक्टरी पे, ट्रेजेक्टरी कैसा भी हो, इसको समझो फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ट्रेजेक्टरी कैसा भी हो, मान लो कैसा भी हो, टेढ़ा मेरा हम जनरल ले रहे, ऐसा नहीं स्ट्रेट ही ले रहे, स्ट्रेट भी लेके तुम बोल सकते हो, बट हम जनरल ले रहे। तुम बोलो भैया छोटा छोटा डी आर को हम जोड़ रहे हैं, ये छोटा डी आर, ये छोटा डी आर, ये छोटा डी आर, सारे छोटे छोटे डी आर को जोड़ोगे तो फाइनल क्या आने वाला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल सिंपल तुम बोल सकते हो, इस केस में अगर कांस्टेंट फोर्स है तो तुम बोलोगे एफ डॉट नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही हमें दे देगा वर्क डन, खत्म। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो अगेन, क्योंकि उस अजम्पशन पे काम कर रहे हैं हम लोग अभी, और इसी पे एक दो लेक्चर अपना चलने वाला है। तो सिंपल सिंपल हम यहाँ लिखे इसे, क्लियर कर देते हैं इसे, और सीधा से यहाँ पे लिख रहे हैं। हालांकि तुम इसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हो, देखो कैसे हम तो फिगर से बना बता दे, ऐसे भी सोच सकते हो एफ डॉट। कोई बोलेगा भैया dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, r, और चूंकि इंटरवल ले रहे हो तो किसी इनिशियल और फाइनल से कर रहे हो इंटीग्रेट, किसी इंटरवल में कर रहे हो, तो हम लिमिट भी यहाँ पे डाल देते हैं,
तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। हम बोले इनिशियल कुछ था आई, फाइनल कुछ एफ, इनिशियल टू फाइनल एफ। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी आर का आर हो जाएगा, और चूंकि लिमिट है इनिशियल टू फाइनल, तो एक बार फाइनल पुट करोगे तो आर फाइनल घटाओगे, इंटीग्रेशन का डिफिनेट इंटीग्रेशन आर एफ माइनस आर आई होगा। समझ पा रहे हो क्या बोले, डी आर का इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर दिए, तो अंदर में आ गया हमारे पास आर, एक बार अपर लिमिट पुट किए, फाइनल एंड फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस आर इनिशियल, और आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ही तो होगा भाई, चेंज इन पोजिशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हो गया, तो सिंपल से लिख सकते हैं फोर्स डॉट नेट डिस्प्लेसमेंट, जस्ट आर कर देते हैं उसे, सॉरी आर नेट लिखना तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आर बोले तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट ही है, तो समझने के लिए। यानी ये हो गया तुम्हारा फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स था उसका सिंपली सिंपली तुम क्या करो, डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, तुम्हारा वर्क डन आ जाएगा बाय ए कांस्टेंट फोर्स, बाय ए कांस्टेंट फोर्स। लिख लिए, पहले लिख लो, फिर इसका हम कुछ इससे भी कंक्लूजन हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा फाइनली आ गया कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स जो अपने पास आता है, इसको भी भूल सकते हो, सीधा सा तुम ध्यान रखो एफ डॉट आर, एफ मतलब वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, और आर मतलब उस इंटरवल में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऑब्जेक्ट का, डायरेक्ट जो तुम पढ़े हो नाइन्थ में इनिशियल टू फाइनल, सीधा उससे मतलब होगा हमें। टेरा मेरा रास्ता भी होगा तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हम लोग इनिशियल टू फाइनल, तो वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। तुम्हें टेरा मेरा रास्ते पे इंटीग्रेशन अब करना नहीं पड़ेगा अगर कांस्टेंट फोर्स है, तो तुम बोलोगे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे भाई इंटीग्रेशन ही तो किए हैं, इंटीग्रेशन करके फाइनल रिजल्ट आके लिख लिए। तुम इंटीग्रेशन क्यों करोगे क्वेश्चन में, ये चीज रिपीट क्यों करोगे, डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट यूज करो। बट आया ये इंटीग्रेशन सही है, आया ये इंटीग्रेशन सही है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला यही है, कल भी बोल रहे थे इसी के स्पेशल केस में ज्यादा करके हम लोग काम करेंगे। लिखो क्विकली और यहाँ लिख लो जस्ट एफ इज इक्वल टू फोर्स, और आर हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लग रहा, लिख लो एफ फोर्स अप्लाइड, और आर हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू वर्क डन हो गया। लिख लियो, चलो फिर सही है, चलो ठीक है। अब यहाँ एक डायग्राम बनाने वाले हम, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन हम एमजी से लेते, कांस्टेंट फोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल एमजी है, एमजी से लेते। मान लो ये ग्राउंड है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, इस पॉइंट पे कोई पार्टिकल था, ब्लॉक था, कुछ भी लो जो तुम्हें मानना हो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितने हाइट पे था, एच हाइट पे, एच हाइट पे था, ठीक है। इस पार्टिकल को हम इस रास्ते से घुमाते हुए, ठीक है, जमीन पे यहां लाकर रख दी, इसी ब्लॉक को या पार्टिकल को इस पॉइंट से उठाकर इसी पॉइंट पे लाए, इनिशियल फाइनल वही है बट बीच का ट्रैजेक्टरी चेंज कर दी, हम बोले अब इसको ऐसा कुछ ला, ये पहला रास्ता आने का और ये दूसरा रास्ता, किसी भी रास्ते से आए, इस पार्टिकल का मास मान लो एम, किसी भी रास्ते से आए, इस पे कांस्टेंट फोर्स mg एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड हर मोमेंट पे, रास्ते के हर पॉइंट पे इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है mg जो डाउनवर्ड है, फोर्स तुम्हें बता दिए। अब बोले यहां से यहां तक लाने में पहले पाथ में वर्क डन हुआ मान लो सपोज W1, किसके द्वारा वर्क डन, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ये पार्टिकल, जो भी पार्टिकल पहले पाथ से आया वर्क डन W1, दूसरे पाथ से जब लाए तो हमको वर्क करना पड़ा W2, मतलब ये फॉर्मूला लगाए और सॉल्व हो गया हमारा, W1 आया पहले रास्ते से और W2 आया दूसरे रास्ते से, दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा या दोनों बराबर होगा,
दोनों इक्वल बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। ये नाइन्थ क्लास में क्वेश्चन देखे भी होगे, पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट बताया गया वहां पे, वहां से भी सोचा जाता है, ठीक है। बट हम बोल रहे हैं तुम बताओ ऐसा क्यों, अभी जो हम लोग डिस्कशन के शुरू से डिस्प्लेसमेंट दोनों का एक ही ना होगा, बिल्कुल से यानी कांस्टेंट फोर्स के जो तुम स्टार्टिंग में बात बोल रहे थे कि भैया इनिशियल फाइनल अगर सेम है तो वर्क डन सेम होगा, ये किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए। जनरलाइज मत करना इस स्टेटमेंट को जो तुम बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि भैया इनिशियल ये कांस्टेंट फोर्स के लिए वो स्टेटमेंट से जो तुम बोल रहे थे स्टार्टिंग में, तो लिख सकते हो द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स सॉरी ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट, किसी दिए गए डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट कॉमा वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स कोई सा भी रास्ता बना दो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, किस रास्ते से ले गए, पाथ भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ मोशन, किस रास्ते से ले गए वो मैटर नहीं करता है, बस अर्थ अगर तुम डिस्प्लेसमेंट सेम रख रहे हो तो, इनिशियल और फाइनल अगर सेम रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, बीच में कितना भी घूम लो। इसको मान लो हम पाथ अगर थ्री बोल दें तो W3 भी सेम ही आने वाला है, यानी MG हर रास्ते से काम सेम करने वाला है अगर ये छठ से ला रहे हो, और ये वर्क हालांकि सॉल्व होकर करोगे तो MGH आ जाता है, वैल्यू MGH आता है, और उस पर हम लोग नहीं गए कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो जस्ट लिख लिए सब लोग सारे पाथ से सेम होगा, तो फॉर ए गिवन डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ मोशन या ऑफ द पाथ ऑफ मोशन, जो भी बोलो किस पाथ से ले गए वो फर्क नहीं पड़ता अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल, फोर्स MG नीचे लग रहा है, तुम बोलोगे भैया वेक्टर फॉर्म में ही काम कर लेंगे, वेक्टर फॉर्म में ही काम कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, वैल्यू निकालना है, देखो यहाँ तुम बोलोगे भैया एफ वेक्टर मेरे पास इस केस में हमें एमजी का निकालना है, एफ वेक्टर कितना है, एमजी मैग्नीट्यूड का कहाँ लग रहा है, नीचे, तुम नीचे को मान लो माइनस जे कैप मान सकते हो क्या, और जे को ऊपर मान ले तो, समझ लो क्या बोल रहे हैं एक्सिस, ये फॉलो तो कर पा दो यार, हम इसको वाई मान लिया, एक्सिस अगर मान लो वाई जे के में लिख लो वेक्टर को, ये वाई एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर को, mg डाउनवर्ड लग रहा है, माइनस जे में लग रहा है, जे ऊपर माने तो तुम्हारा फोर्स वेक्टर कितना हो गया, माइनस mg, और पीछे लिख दो माइनस जे, माइनस ला करके यहाँ पे भी लिख सकते हो माइनस mg जे कैप माइनस जे, फोर्स हो गया। फिर बोलो भैया वर्क में आर वेक्टर भी चाहिए, तो बोले आर भी लिख लो वेक्टर फॉर्म में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो सीखे ही हो, आर वेक्टर कितना होगा, तो बोलो भैया सीधा सीधा अगर देखें इनिशियल टू फाइनल अगर हम जोड़े तो आर वेक्टर कितना होगा, ये बोलो माइनस, नहीं बोल सकते डायरेक्ट क्योंकि आर वेक्टर ऐसा कुछ है, हाँ ये है आर वेक्टर, तिरछा है, सीधा सीधा नहीं है किसी एक्सिस के अलोंग, तुम वर्टिकल बोल दोगे, समझ रहे हो, बट ध्यान दो तुम्हें निकालना क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तुम्हें निकालना क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो इस आर वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एफ के परपेंडिकुलर होगा क्या वो डॉट प्रोडक्ट पे कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं भैया, तो हम बोलेंगे भाई इस आर वेक्टर का दो कंपोनेंट कर लो, कलर चेंज करते हैं, हालांकि सब करेंगे हम लोग, अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन करेंगे इस पे, हम बोलेंगे इस आर का दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, समझ पा रहे हो, ये आर वेक्टर नेट है, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कर लिए, हम बोलेंगे भाई ये कंपोनेंट का कोई यूज नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारा एमजी है डाउनवर्ड और ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, डॉट प्रोडक्ट जीरो देने वाला, वर्क में कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट जो एमजी के अलोंग है, कल यही वर्ड बोल रहे थे और लिखे हुए थे डेफिनेशन, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट जो एमजी यानी फोर्स के अलोंग है वही कंपोनेंट से हमें मतलब है, तो नेट आर भी लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम आर का सिर्फ वह कंपोनेंट देख लो जो एमजी के अलोंग है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट अगर ये थीटा एंगल होगा सपोज करो
ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा r cos थीटा और ये r sin थीटा हॉरिजॉन्टल है जो कि mg के अलोंग नहीं आ रहा है mg के साथ 90 पे डॉट प्लॉट में कंट्रीब्यूट करने वाला नहीं है तो ये वाला जो भी है ये वर्क में नहीं आने वाला सिर्फ ये वाला और ये वाला वैल्यू लिखना तो सिंपल है h डाउनवर्ड h माइनस j का तो तुम्हें जिस r का काम है ये r नेट नहीं हम लिखे ध्यान रखना r का हम वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ लिखे हैं और वो सिंपल सिंपल h नीचे गया h टाइम्स माइनस j कैप तुम बोलोगे भैया सिर्फ एक ही कंपोनेंट क्यों लिया हम बोलेंगे दूसरा कंपोनेंट लिख लो मेहनत करके कोई फायदा नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा h टाइम्स माइनस j कैप अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो इन दोनों वेक्टर का जे जे मिलकर वन हो जाएगा सिंपल माइनस माइनस प्लस mg h तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg h mg h याद भी करते थे 9th क्लास में तुम लोग जिसको पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ बोलते थे अभी हम उसमें नहीं गए आगे आने वाला अपना पोटेंशियल एनर्जी बाद में आएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में बोलेंगे कि यहां से यहां तक जब ब्लॉक आया तो ग्रेविटी mg h वर्क किया मीटिंग एंड होने वाला है ठीक है वापस से लिंक जनरेट करना होगा सीधे इसको लिख लो क्योंकि ये फिर एरेज हो जाएगा वापस से मीटिंग होगा